यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम। लेकिन ये गाड़ी चलती रहे इसके लिए हमें पेट्रोल, डीजल या बिजली के रूप में ईंधन डालना पड़ता है। हम यानी मनुष्य, पक्षी, पशु और इस धरती के अन्य जीव भी तो दौड़ते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं या फिर रेंगते हैं। क्या इनको भी ईंधन की जरूरत होती है? हाँ, हर सजीव को ईंधन की बहुत जरूरत होती है, और हम मनुष्यों के लिए ये ईंधन होता है भोजन। जब भूख लगती है तो नन्हे बच्चे भी रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए होता है। पूरे भारत में कितने अलग अलग किस्म का भोजन पकाया जाता है, कहीं इडली डोसा, रोटी सब्जी, चावल दाल पकाए जाते हैं, तो कहीं मांस मछली या अंडे खाए जाते हैं। हम फल भी खाते हैं और मिठाई भी, रायता, अचार, पापड़ ऐसे पदार्थ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं। भोजन खाने के साथ हम पानी भी पीते हैं, और कभी दूध, कभी छाछ और कभी शरबत भी पीते हैं। कुछ चीजें चबाकर खाई जाती हैं, तो कुछ चीजें पी जाती हैं। ये खाने या पीने की चीजें हम पेड़ पौधों से पाते हैं या फिर अन्य प्राणियों से। ये सारी चीजें भोजन कहलाती हैं। भोजन का मतलब है ऐसी ठोस या द्रव वस्तुएं जो हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। ये भोजन ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमारी महत्वपूर्ण बुनियादी जरूरतों में से एक है। जरा सोचिए, अगर हमें कई दिनों तक भोजन ना मिले तो क्या होगा? भोजन ना मिला तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा के बिना थकान और कमजोरी महसूस होने लगेगी। हम बीमार भी पड़ सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में और उचित भोजन नहीं मिला तो बच्चों का विकास ठीक से नहीं होगा, और भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब है भोजन शरीर को व्यापक रूप से संतुलित रखने के लिए बहुत से कार्य करता है। ये हमारे शरीर की क्रियाओं का विनिमय करता है। भोजन जब पचता है तो वह पोषण प्रदान करता है, बीमारियों से बचने में मदद करता है और हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। इतना ही नहीं, भोजन हमें बीमारियों से ठीक होने में भी मदद करता है। जब हम बीमार होते हैं तो अक्सर डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि क्या खाने से हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। लेकिन भोजन में ऐसा होता क्या है जो इतने सारे काम करता है? इसे जानने के लिए देखिए वीडियो पोषण और पोषक तत्व। अब आपके लिए एक काम, घर में बनाए जाने वाले 5 पदार्थों के नाम लिखिए। वो बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है उसे लिखें, और उस सामग्री का मुख्य स्रोत क्या है उसे लिखिए। उदाहरण, खीर बनती है चावल, शक्कर और दूध से, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, पदार्थ का नाम, सामग्री और मुख्य स्रोत। वो बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, चावल वनस्पति, शक्कर वनस्पति, दूध प्राणी। अपने बनाए हुए चार्ट का फोटो खींचिए और हमें भेजिए।